बातें जो कभी पूरी न हो, वादे जो कभी अधूरे न हो, हंसी जो कभी कम न हो, आंखें जो कभी नम न हो, अगर हो तो बस इतना जरूर हो कि आंसू उसके हो और आंखें मेरी हो। वाह वाह वाह, क्या बात है दोस्तों। यह लाइन जो है मेरी कोई ओरिजिनल नहीं है, इसको मैंने उड़ाया है, चिपका लिया है। दरअसल मैंने अभी अभी एक टीजर देखी सत्य प्रेम की कथा, और उसको देखकर जो लाइंस मैंने सुनी रोमांटिक लाइन, उसे देखकर मुझे मजा आ गया और मैंने उसे याद करके आपको सुना दिया। अगर आपको ओरिजिनल देखना है तो आप जाकर देखिए सत्य प्रेम की कथा का टीजर जो 1 मिनट 6 सेकंड का है। उस टीजर में क्या है उसकी अगर आप बात करें तो इस फिल्म में हम देखने वाले हैं, दोबारा फिर से देखने वाले हैं, कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन की रोमांटिक जोड़ी, जिसको हमने भूल भुलैया 2 में देखा था और काफी इंजॉय किया था। वो एक फ्रेश जोड़ी हमें लगी थी, और उसके बाद कुछ महीने बाद जो है मेकर्स ने उन्हें लेकर एक फिल्म की अनाउंसमेंट की थी। ये वही फिल्म है लेकिन थोड़ा दोस्तों इसमें नाम बदला गया। बताऊं आपको क्यों? क्योंकि उस समय जब इसका नाम रखा गया था तो फिल्म का नाम था सत्यनारायण की कथा। तो सत्यनारायण की कथा तो हम सभी घर घर में करवाते हैं, तो यह नाम कैसे हजम होता सभी को? तो लोगों ने यह आरोप लगाया कि यह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है, और लोगों ने इस पर विवाद करना शुरू किया। तो मेकर्स ने हाथ जोड़कर कहा भाई हम फिल्म का नाम ही बदल देते हैं, फिल्म की कहानी नहीं बदलनी है, कंटेंट नहीं बदलना है, नाम बदल दो भाई। तो उन्होंने नाम बदल दिया और फिल्म का नाम रखा सत्य प्रेम की कथा। तो जो सत्यनारायण का किरदार निभा रहे थे वो अब सत्य प्रेम हो गए हैं। सत्य प्रेम का किरदार निभाएंगे अब कार्तिक आर्यन, और कथा का किरदार निभाएंगे कियारा आडवाणी। आपने सही समझा। और इस फिल्म में गजराज राव भी होने वाले हैं। फिल्म के टीजर को देखकर लग रहा है कि आउट एंड आउट एक बहुत ही रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होने वाली है, और इसके जो म्यूजिक होने वाले हैं, जो संगीत होने वाले हैं, काफी दिल को छू लेने वाला है। क्योंकि हमने एक लाइन सुनी कि आज के बाद, जिस रोमांटिक अंदाज में इस फिल्म के गाने को थोड़ा सा सुनाया गया है, जिससे हमारा उत्साह बढ़ गया है, हमारा एक्साइटमेंट बढ़ गया है कि यह फिल्म का टीजर के बाद अब ट्रेलर कब आएगा। तो आपको बता दें कि ट्रेलर तो कब आएगा पता नहीं, लेकिन फिल्म जो है 29 जून को सिनेमा घरों में आ रही है, तब मैं इसका रिव्यू करके आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है समीर विद्वांस ने, और फिल्म को प्रस्तुत कर रहे हैं नाडिया द्वारा ग्रैंडसन। रिव्यू अच्छी लगी है तो प्लीज दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में आपसे। ओम शांति।